तो मैं एक मिथ आप लोग का दिमाग में भ्रम तोड़ना चाहता था। देखो, ऑप्शन सेलिंग जो भी हमने किया है 1 लाख कैपिटल से, 2 महीनों के अंदर लगभग मैंने 30 ही ट्रेडिंग डे किया। कुछ दिन मैंने छुट्टी मार ली, कुछ दिन स्किप भी किया हुआ है। अब जब आप रेगुलर ये प्ले लिस्ट फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा। इसका मकसद मेरा केवल यही था कि जो भी छोटे कैपिटल से स्टार्ट करें ट्रेड, उनको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो एक चीज़ समझ जाओ, ऑप्शन सेलिंग में मैंने 2 महीनों के अंदर अपने कैपिटल को डबल किया हुआ है, ठीक है। तो देखो, मार्केट ओपन हो गया, ठीक है। अभी मैंने कोई पोजीशन वगैरह कुछ लिया नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैपिटल 1,90,000 जाकर हो चुका है। कोई ऑर्डर पोजीशन नहीं है। आज मैं सी सेल करूँगा, मैंने बता रखा है मैं कहाँ सी सेल करूँगा। देखो, यही मेरा सेलिंग रेडार है। ऑल्सो निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं ये हमारा लेवल्स होने वाला है कॉल सेलिंग के लिए। इधर का पास मिलेगा तो मैं कॉल सेल करूँगा, नहीं तो फिर ऊपर तक मिलेगा इधर का पास तो मैं कॉल सेल करूँगा। आज देखो, मार्च महीने का चैलेंज का आखिरी दिन होने वाला है, ठीक है। आज 31 मार्च है, तो अगर आज प्रॉफिट मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। अंत भला तो सब भला, ठीक है। आपने देखा कि मैंने 1 लाख रुपए से चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था फरवरी महीने में, जिसमें हमने लगभग 15 ट्रेडिंग डेज को अटेंड किया हुआ है, जिसमें उस समय मेरा 1 लाख से 1.5 लाख कैपिटल हो गया। फिर हमने 1.5 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट किया मार्च महीने में, 3 लॉट से ऑप्शन सेलिंग, और कहीं ना कहीं मेरा कैपिटल 2 लाख का हो गया। मतलब फरवरी से लेकर के अगर बात करूँगा मार्च महीने में, तो मेरा कैपिटल डबल कहीं ना कहीं हो चुका है। और जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो जाके चैलेंज वाली वीडियो देखो यार, उसमें रेगुलर बता रखा है क्या बेचूँगा, कब बेचूँगा। सब मार्केट खुलने से पहले है, कोई भी मार्केट खुलने के बाद में चीज़ें नहीं करता हूँ, ना ही बताता हूँ। बंद मार्केट में हीरो नहीं बनता हूँ मैं मार्केट खुलने से पहले उसका प्रेडिक्शन रेडी कर लेता हूँ। एंट्री करने के लिए मार्केट खुलने का वेट करता हूँ, उसके बाद ट्रेड लेता हूँ। तो आज चलो सिखा देता हूँ कि ऑर्डर कैसे लिया जाता है कम कैपिटल। देखो, ऑप्शन चैन कर लो, ठीक है। सिंपली सेंसिबल का यहाँ से देखो, जाओ सेंसिबल, जैसे हम होम पेज पर जाओगे ना, वहाँ से सेंसिबल का ऑप्शन आएगा। इस पर टैप करते ही आपको डायरेक्ट सेंसिबल का पेज खुल जाएगा। कोई भी लफड़ा वाला बात नहीं है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन चैन यहाँ से खोल लो। अब देखो, मुझे कॉल बेचना है तो मुझे कॉल आइटम बेचना है तो यहाँ से सेल कर देता हूँ, ठीक है। और दूर का बाई करना है तो ये 2 रुपये वाला बाई कर लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से लॉट सारे सेलेक्ट कर लो, कितने लॉट में काम करने हैं। मुझे 3 लॉट बेचना है, 1 लॉट में ज़्यादा एक्स्ट्रा बाई कर दूँ ताकि मार्जिन भी बहुत ज़्यादा कम लगे। बस अब जैसे ट्रेड बटन लगाओगे ना, आपका ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन मुझे अभी ऑर्डर लेना नहीं है, मैं थोड़ा सा और वेट कर रहा हूँ ताकि मुझे कोई परफेक्ट सेटअप देखने को मिल जाए तो मैं ट्रेड लूँगा, तो बेटर रहेगा। तो बस यहाँ से ट्रेड का बटन दबाइए। तो फाइनली देखो, बस यहाँ से प्लेस ऑल एट मार्केट में करूँगा, ट्रेड मेरा सबका सब लग जाएगा। और यहाँ से आके आप ऑर्डर्स में आके देख लो, वैसे में देखो प्रॉफिट चल रहा है। मार्जिन बहुत लोग पूछते रहते हैं तो यार मार्जिन में मैं उनको दिखा देता हूँ ताकि उनको क्लियर रहे, ठीक है। मार्जिन देखो बहुत कम लगेगा क्योंकि हमने हेजिंग किया हुआ है ना। देखो, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे व्यू ट्रेडिंग बैलेंस 90,000 से भी कम लगा हुआ है, 4 लॉट हमने बेच रखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 लॉट 250 का बेचा है कॉल, और एक काफ़ी ज़्यादा दूर 4 लॉट में बाइक के लिए, काफ़ी ज़्यादा कम मार्जिन है का। और लोग बोलते हैं कि यार कम कैपिटल में तो ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं सकते। और अभी यहाँ पर देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बता रहा हूँ। देखो, मार्केट के लिए ना ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन का ऊपर मार्केट ब्रेक करेगा देन मैं अपने एसएल को बुक करूंगा, इस जोन के अंदर नीचे जाएगा तब तो कोई प्रॉब्लम होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। टॉप की मैं बात बता रहा हूँ यार, आपके आंखों के सामने टॉप पर पोजिशन बनाई हुई है, ये जोन इंपॉर्टेंट है। यही जोन मेरा डिसीजन बनाएगा। इस जोन के ऊपर अगर मार्केट गया देन मैं अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करूंगा, नीचे जाएगा तो होल्ड करूंगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो मुझे नुकसान होगा, नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या होना चाहिए? मुझे तो यार प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो मैं ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। तो अभी देखो 400-500 का प्रॉफिट चल रहा है और ये मार्केट कहीं नीचे जाने के लिए तैयार है, ठीक है। मैं बहुत छोटे लॉस में काम करना प्रीफर करता हूँ, इसकी समझ जाओ। इसका अंदाज़ा आपको यहीं से लग जाएगा कि मैं कितना छोटा एसएल में काम कर रहा हूँ, ठीक। देखो जी, मार्केट नीचे की तरफ आने के लिए तैयार हो रहा है। तो टारगेट की बात करोगे अगर, तो मेरे लिए टारगेट कहीं ना कहीं ये वाला पूरा एरिया हो सकता है क्रिएट पर टारगेट। अब टारगेट देखो मैं बढ़ाता रहता हूँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं ट्रेलिंग एसएल को फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं कोई नुकसान लेने वाला नहीं हूँ, इतना चीज़ समझ जाओ आप। अब मैं कोई नुकसान लेकर के ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि रीजन है ना, मेरे को इतना प्रॉफिट चल रहा है तो मैं इसको लॉस करूँगा।
एक चीज नोटिस किया आपने, जहां से मैंने सेल किया है ना वहीं से प्रॉफिट ही चल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट अगर आता है देन मैं कहीं ना कहीं पोर्शन को स्क्वायर अप करने का सोच सकता हूँ। तो फाइनली देखो यार, 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, देख सकते हो मार्केट टारगेट पर आ चुका है ना, टारगेट यही बोला था। तो अभी आप देख सकते हो कि मार्केट हमारे टारगेट देने के बाद कहीं ना कहीं ग्रीन कलर करके बना रहा है, ठीक है, और मेरा जो प्रॉफिट है वो 14% चल रहा है। ये प्रॉफिट बढ़ के 4,000 भेज गया हुआ था, तो जाते हैं अब स्क्वायर अप कर लेते हैं। तो फाइनली आज हम लोगों ने 3,190 रुपये का प्रॉफिट बुक किया हुआ है, ठीक है। एक बार मैं आपको सर इन्वेस्ट करके दिखा दूँ ताकि आपको इजी रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3,100 का प्रॉफिट बुक किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको अपना ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। देखो हमने कहीं ना कहीं टॉप के आसपास, इधर के आसपास कॉल बेचा हुआ है और मार्केट में ये हमारा टारगेट एरिया था। यहाँ पर आने के बाद मेरे को लगभग 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, बट मैं प्रॉफिट को होल्ड करूँ जैसे आप सब लोग जानते हो ताकि मुझे बड़ा प्रॉफिट हो जाए। बट जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट कर दिया देन हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया, ठीक है, जिससे मेरे को 1,000 का नुकसान हो गया। तो ओवरऑल कहने के 3,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आज हमने टोटली बुक किया हुआ है, केवल केवल 3 लॉट में ट्रेड करके। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये देखो चैलेंज का सिलसिला चालू किया था हमने फरवरी महीने में, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन सेलिंग विद लो कैपिटल 1 मंथ चैलेंज। इस प्लेलिस्ट को अगर आप जैसे ही ओपन करोगे ना, इसमें आपको टोटली चीज़ें दिख जाएंगी। देखो 99,000 लगभग 1 लाख से स्टार्ट किया था और पूरा का पूरा फरवरी महीने में हमने ट्रेड किया। फरवरी महीने में पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हो साइड में आपको दिखता हुआ मिल जाएगा, हर दिन ट्रेड किया हुआ है। फरवरी महीने में लगभग हमने 17 दिन ट्रेड किया हुआ था और 1 लाख का कैपिटल कहीं ना कहीं 1.5 लाख के आसपास का हो गया था। फरवरी महीने में केवल केवल 2 लॉट से मैं ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से रिपीट वही चैनल को कंटिन्यू किया और देख सकते हो मार्च महीने में चले लिया और मार्च महीने लगभग 1.5 लाख से ट्रेड किया और लगभग मैंने टोटल ट्रेडिंग में कितने लिए हैं लगभग 11 और आज का दिन 12 ट्रेडिंग डे किया और कहीं ना कहीं 1.5 लाख का कैपिटल आज अप्रोक्स 2 लाख के आसपास का पहुंच जाएगा प्रॉफिट ऐड होने के बाद। तो कहीं ना कहीं इन 2 महीनों में हमने आपके साथ जितने भी चले ली हुई ना, हर दिन हमने टेलीग्राम पर पहले बताया कि आज मैं सी बेचूंगा कि पी बेचूंगा। आप देख सकते हो मार्केट खुलने से पहले जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं ना उनके सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, हर दिन पहले बता करके ट्रेड किया हुआ है। तो मैं एक मिथ आप लोग का दिमाग में भ्रम तोड़ना चाहता था। देखो ऑप्शन सेलिंग जो भी हमने किया है 1 लाख कैपिटल से, 2 महीनों के अंदर लगभग मैंने 30 ही ट्रेडिंग डे किया, कुछ दिन मैंने छुट्टी मार ली, कुछ दिन स्किप भी किया हुआ है। अब जब आप रेगुलर ये प्ले लिस्ट फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा। इसका मकसद मेरा केवल यही था कि जो भी छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे ट्रेड उनको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो एक चीज़ समझ जाओ, ऑप्शन सेलिंग में मैंने 2 महीनों के अंदर अपने कैपिटल को डबल किया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, इसमें हमने सेफ्टी बहुत ज़्यादा रखी हुई है, हद से ज़्यादा सेफेस्ट वे में ट्रेड किया हुआ है, इंट्राडे में कम से कम लॉस में काम किया हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखना, क्वांटिटी हमेशा सेम रखी गई है, फरवरी महीने में 2 लॉट, मार्च महीने में केवल केवल 3 लॉट, ठीक है।